दोस्तों, वो दिन अब काफ़ी नज़दीक आने वाला है जब 27 मई को सऊदी अरेबिया के शो के अंदर हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेरियो के बारे में, अगर दोस्तों ये चीज़ WWE के अंदर हो जाती है तो काफ़ी सारे जो फैंस हैं उनकी मेमोरीज को भी काफ़ी रिलैक्स फील होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। दोस्तों, जब पुराने वर्जन के अंदर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलती थी तो उस टाइम पर दोस्तों वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट थी कि एज ने दोस्तों उस चैंपियनशिप को अपने कंधों पर संभाल कर उनको उस चैंपियनशिप को इतना ज़्यादा रेलेवेंट बनाया था। दोस्तों, अपने इंजरी की वजह से एज ने उस चैंपियनशिप को छोड़ दिया था और उसके बाद दोस्तों एज ने WWE कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था, जो कि काफ़ी सारे फैंस के लिए एक शॉकिंग और काफ़ी सैड मोमेंट था। लेकिन दोस्तों, 2020 के रॉयल रंबल मैच के अंदर हमें एज का रिटर्न देखने को मिला और दोस्तों एज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि एज WWE के अंदर कोई भी टाइटल रन नहीं रखने वाले, यानी कि कोई भी चैंपियनशिप एज नहीं जीतने वाले, ये चीज़ उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है। तो दोस्तों, अगर एज का ये चीज़ फाइनल है तो दोस्तों एज हमें कभी भी WWE के अंदर चैंपियन बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, एज को भी ये चीज़ पता है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ उनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है और दोस्तों अगर एज को नए वर्जन की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से लगाव हो चुका है तो एज दोस्तों WWE के साथ ये चीज़ भी डील कर सकते हैं कि एक टाइटल रन तो एज को मिलना चाहिए उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ। एक्चुअल में दोस्तों, जब एज ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को छोड़ा था तो उस टाइम पर दोस्तों उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी स्टोरी लाइन्स WWE के अंदर डिलीवर करी थी, लेकिन एज दोस्तों वहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को नहीं हारे थे। दोस्तों, काफ़ी सारे पुराने WWE के फैंस हैं जो कि एज को एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर नया वर्ल्ड चैंपियन देखना ज़रूर चाहेंगे और अगर दोस्तों ये चीज़ हो जाती है तो काफ़ी सारे जो WWE के फैंस हैं उनकी जो मेमोरीज है वो दोस्तों एक बार फिर से फ्रेश हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो WWE के अंदर अभी फ़िलहाल सेथ रोलिंस नंबर वन पर हैं कि सेथ रोलिंस नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर नए वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो स्मैकडाउन के अंदर टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ पर भी एज हमें पार्टिसिपेंट के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एज अगर वहाँ पर जीत जाते हैं और सेथ रोलिंस को वो फेस करते हैं तो कुछ चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि WWE के साथ शायद एज ने कुछ नई डील साइन की हो नए टाइटल रन के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आप सभी की क्या राय है ये आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको रेसलिंग से रिलेटेड स्टफ़ हमारी चैनल के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।